गांधी मैदान में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। 12 वर्ष के बाद बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। 45 से 47 उम्र के लोग भी दौड़ रहे हैं बहाली प्रक्रिया। गया में 12 वर्षों के बाद होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया से शुरू हुई है। वर्ष 2011 में होमगार्ड की बहाली के लिए 21,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 12 वर्षों के बाद 2023 में बहाली की प्रक्रिया की जा रही है। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों की उम्र 40 से 50 वर्ष तक की हो चुकी है और ऐसे में अब वो बुढ़ापे में होमगार्ड की बहाली के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की शादियां हो चुकी है, बाल बच्चे खुद बहाली के लिए फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अब उनके पिता नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल 2011 में 31,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 229 लोगों को चयनित करना था, लेकिन अब सीट को बढ़ाकर 629 कर दिया गया है। गांधी मैदान स्टेडियम में दौड़ के लिए रैंक बनाया गया है, जहां भारी भरकम लोग भी अपने पेट निकालकर दौड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग पहले ही चक्कर में धराशायी हो गए और हाफने लगे। बहाली में पहुंचे अभ्यर्थियों से बात किया तो लोगों ने बताया कि जब फॉर्म भरा था तब उस समय उम्र 22 से 30 वर्ष की थी, लेकिन अब काफी उम्र हो गई है, यहाँ तक कि 45 से 50 वर्ष के लोग भी दौड़ लगाने के लिए आए हैं। अगर नौकरी होगी तो 8 से 10 साल ही नौकरी कर पाएंगे। यह बहाली की प्रक्रिया करीब 17 से 18 दिन प्रतिदिन बहाली की प्रक्रिया चलेगी। एक दिन में एक प्रखंड का लगभग 15 से 1600 तक लोगों की बहाली प्रक्रिया की जाएगी। इस बहाली प्रक्रिया में सबसे पहले दौड़ लगाना होगा, जिसके बाद हाई जंप लो जंप की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद उसे चयन किया जाएगा। क्या व्यवस्था है? गया जिला में विगत 10 वर्षों से होमगार्ड की जो सिपाही होते हैं उनकी बहाली नहीं हो पाई थी, तो काफी दिनों से बच्चों लोग का डिमांड भी था यहाँ पर, और जैसा कि जान रहे हैं कि अभी खाली सीट को भरा जा रहा है पे और सिपाहियों की जरूरी भी है, उसको देख करके हम लोग ने आज से शुरू किया है। यहाँ पे फिजिकल बेसिस पर ही इन लोग का सिलेक्शन होता है, तो सर्वप्रथम इन लोग को दौड़ होगा, 6 मिनट में इनको 4 चक्कर इसका पूरा करना है, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, और मेडिकल जांच के बाद तो फाइनल सिलेक्शन। 629 सीट की बात। कितने दिनों तक ये प्रक्रिया? ये 18 दिन तक चल। पर डे हम लोगों ने 1200 का टारगेट रखा है, ट्रेंड वाइज कोशिश की है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, जिन अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर अलॉट कर, ये फिर फाइनल कमिटी है, कमिटी है मतलब तुरंत ही मिल जाए, तो वो कमिटी जिला स्तर है। जिला स्तर है। आज यहाँ जो दौड़ के लिए लगाया गया था उसमें क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? उसमें हम लोग ने एम्बुलेंस है, हमारा लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस भी है, और डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर पूरा, और काउंटर आप पीछे देख रहे होंगे, डिफरेंट काउंटर बना हुआ है, डॉक्टर साहब वहाँ पर राउंड द क्लॉक रहेंगे, महिला डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, और किसी तरह की अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, कितना साल के बाद हो रहा है? बहाली हो रहा है, 2011 का भरा हुआ है, 11 साल बाद हो रहा है। अच्छा, तो किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो सर जब से बहाली निकला तब से इस बीच क्या कर रहे हैं सर, क्या कुछ काम काम कर रहे हैं? सबको लगा कि आप जो फॉर्म भरा था वो हो पाएगा? काफी क्या उम्र रहे होगी जब फॉर्म भरे होंगे? फॉर्म जिसमें भरे तो उसमें सर 25 के बीच में, तो सर 32-33 शादी भी हो जाएगा आप? जी जी। कितने बच्चे हैं? जो लड़का है उम्र कितना सर? बड़ा बच्चा का 10 साल है। क्या नाम है? मेरा नाम रघुविंदर कुमार। एग्जाम हो रहा है, मैं मदन कुमार गया से बोल रहा हूँ। ये बहाली 2011 का है और ये 11 साल बाद फिर ये सरकार बहाली ले रही है, और बिल्कुल जो टाइमिंग है वही आर्मी वाला 6 मिनट में लिया है, हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप 12 वाला सर। ये तो डेट निकाली थी इधर सर सरकार ने पिछले 22 अगस्त को कि मतलब ये बाहर लेगा, उसके बाद फिर 5 बार डेट
अटेंड किया है, फिर ये लास्ट बार फाइनल है बहाली के। अरे कितना उम्र था जब फार्म भरा था? उससे मैं 19 साल हो गया, अब 29-30 साल हो गया। तो समय पर ले लेता तो अच्छा रहा, तो उसमें बहुत अच्छा है, पहले रहा बहुत अच्छा है। मैं ये सब 1600 और हाई जंप 4 फीट सब कुछ कर रहा हूँ, 5 मिनट के समथिंग मार लेते थे 1600। अब तो यहाँ 45-46 साल की उम्र भी दौड़ रहे हैं। हाँ, इधर यहाँ तो अभी ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका बाप का भी बहाली हो रहा है और बेटा भी ज्वाइन कर लिया, ऐसा ऐसा है। बहुत तब है मगर फिर भी बहुत ये नहीं है, निकाल लेंगे। क्या नाम है? मदन कुमार। बहाली चल रहा है, बहाली में आए हैं। सरकार तो सोए हुए थे, 2011 में फॉर्म भराया था और ये 2023 में बहाली ले रहे हैं। सरकार तो सोए थे, हम लोग तो जागे थे कि अपना आप बहाली निकालवे करेंगे, अपना आप बहाली लेवे करेंगे, लेकिन 11 साल तक सो गए सरकार। तो हम लोग भी मेहनत छोड़ दिए, 2011 के बाद मेहनत छोड़ दिए, फिर से तैयारी करे तो 2-3 महीना में कितना मेहनत हो गया। तो मैट्रिक पेपर में दिए कि होमगार्ड का बहाली अब शुरू होगा, हम लोग फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। तब तक तो पहले कितना जोश था, अभी तो खैर आर्मी का भी दौर निकाले, पहले भी जोश है सर, आप भी जोश है, अभी तो वही मांग है, लेकिन देखिए क्या होता है। शादी भी हो गया? शादी तो हो गया है, 15 साल के तो करीब बाल बच्चा हुआ, मेरा बच्चा है 15 साल का हो गया है, बच्चा फार्म भरने के लिए फार्म भरने के लिए बच्चा भी हो गया है, बहाली कर रहे हैं। देखिए पत्नी तो कही कि जाइए, अब छोड़िएगा कहला, सरकार निकालवे की है बहाली, तो जाइए टाइम हुई है, देखिए दौड़ के आजमा के देखिए। पहले शेर नियर गरजते थे, आपका बूढ़ा हो गए, आपका पेट भी निकल गया। हाँ, पेट निकल गया है, अनफाटी निकल गया, सरकार निकलवा दिए ना पेट, बहाली 11 साल बाद। क्या नाम? राम परवेश कुमार यादव। क्या कुछ तैयारी है? तैयारी तो ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। कब दौड़े हैं? हाँ, कब दौड़े? दौड़े कब परसों? कब परसों से दौड़ना शुरू किया है। कितना चक्कर लगाना है? 4 चक्कर लगाना। लग पाएगा? लग पाएगा, उम्मीद तो है कि लग जाए। जिस बार फॉर्म भरा था उस बार तो काफ़ी जोश था, बहुत जोश था, उस पर हो जाता तो फिर कोई बात नहीं थी। अब तो मतलब काफ़ी अभी बहुत मेहनत करें, अब कमाल कर क्या भी कमजोर हो गया, पहले ले लेना चाहिए है ना, साल एक आध साल लेट करता पर इतना लेट ना करना चाहिए, कमी है सर।